हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ क्लैट प्रैप। एंड आज हम लेकर आए हैं आपके पास इंडियन एक्सप्रेस से 3 बहुत ही प्रोमिनेंट, जो कि आपको एग्जाम्स में भी और न्यूज़पेपर में नाउ एंड देन यू गेट इट, सो विल बी कमिंग अप एवरी डे विद द वोकैब ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। सो द टुडेज फर्स्ट वर्ड इज दैट इज प्रोब। प्रोब एक बहुत ही कॉमन जो आपको हेडलाइंस और डिटेल्स में पढ़ने को मिलता है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, राइट? दैट इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोबिंग इन दिस केस, राइट? सो दैट इज अ वेरी गुड वर्ड। द सेकेंड वर्ड विच वी हैव इज कर्ब। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को चेक या कंट्रोल करना, उसको लिमिट करना, उसके ऊपर आय रखना, दैट इज नोन एज कर्बिंग, दैट द गवर्नमेंट इज पुटिंग एफर्ट्स टू कर्ब द क्राइम, राइट? सो दैट इज कर्ब। द थर्ड वेरी गुड वर्ड, वेरी इजी टू रिमेंबर, एज वी ऑल्सो हैव डन लॉट ऑफ एम्बेजलमेंट्स इन आवर चाइल्डहुड। एम्बेजलमेंट्स का मतलब होता है जो हमने घोटाले कर रहे हैं, राइट? जो बड़े होते हैं, लाइक दे कॉल इट एम्बेजलमेंट, बट वी हैव ऑल्सो डन, यू नो, जैसे पापा ने आपको दिए 50 रुपए और कहा कि बेटा बेसन ले आओ, एंड यू जस्ट वेंट एंड बेसन आया 48 का, 2 रुपए अपने टॉफी खा ली, राइट? सो दीज टाइप ऑफ एम्बेजलमेंट्स और द यू नो दे आर डन इन द ग्राफ्टिंग एंड द करप्शन। सो दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज एम्बेजलमेंट, राइट? सो आई होप यू हैव लर्न। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।